दोस्तों, हाल ही में क्या आपने सपने में मेहंदी लगाई है, या सपने में आपने किसी व्यक्ति के हाथों में मेहंदी लगी हुई देखी थी, या आप मेहंदी से जुड़े सपनों का सही अर्थ खोज रहे हैं, तो आज आपकी खोज पूरी होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदी से जुड़े सभी सपनों के सही अर्थ बताने वाले हैं। जब कोई शुभ अवसर होता है तो हम हमारे हाथों में मेहंदी जरूर लगाते हैं। अधिकतर शादी ब्याह जैसा शुभ अवसर होता है या एंगेजमेंट जैसी रस्मों में मेहंदी की रस्म जरूर होती है। ऐसे रस्मों में अक्सर मेहंदी की डिजाइन हाथों और पैरों में बनाई जाती है। ज्यादातर लड़कियां और औरतों को मेहंदी का बहुत शौक होता है। कई लोग तो मेहंदी अपने सिर के बाल सफेद होने पर उन्हें कलर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यह एक नेचुरल कलर हमारे बालों को लाता है और हमारे बालों को मेहंदी से कोई नुकसान नहीं होता। मेहंदी में कोई सल्फेट नाम का केमिकल नहीं होता जिससे हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचता और हमारे बालों की लाइफ बढ़ती है। यानी मेहंदी शरीर के लिए फायदेमंद होती है, पर यदि सपने में मेहंदी दिखाई दे तो क्या उसका अर्थ भी फायदेमंद होता है? यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको मेहंदी से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साधारण अर्थ की बात की जाए तो सपने में मेहंदी देखना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में नया प्यार आ सकता है, यानी आपके जीवन में बड़े बदलाव होने वाले हैं। साथ ही यह सपना धन लाभ होने की ओर संकेत करता है। साथ ही यह सपना समाज में बढ़ने वाले मान सम्मान की ओर भी संकेत करता है। तो दोस्तों, यह तो हुआ साधारण अर्थ। चलिए अब मेहंदी से जुड़े सभी विशेष सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में आप देखते हैं कि आपके हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके घर में खुशियों का माहौल रहने वाला है। साथ ही यह सपना किसी पारिवारिक सदस्य की शादी की ओर भी संकेत करता है। साथ ही यह सपना परिवार में बढ़ने वाले प्रेम के माहौल की ओर भी संकेत करता है। सपना देखने वाले व्यक्ति को माता पार्वती जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके पैर में मेहंदी लगी हुई है, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि जीवन में प्रेम बढ़ने वाला है। साथ ही यह सपना समाज में बढ़ने वाले मान सम्मान की ओर भी संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप बालों में मेहंदी लगा रहे हैं, तो यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में नेगेटिविटी बढ़ने वाली है। साथ ही यह सपना भविष्य में मिलने वाले विश्वासघात की ओर संकेत करता है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक हानि होने वाली है। साथ ही यह सपना किसी पुराने निवेश के डूबने की ओर संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप मेहंदी लगाना सीख रहे हैं, या आप मेहंदी की डिजाइन बनाना सीख रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आगामी दिनों में आपको धन लाभ होने वाला है। साथ ही यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपकी परेशानियां अपने आप दूर होने वाली है। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, कुछ दिनों से खराब चल रहा है, तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य सुधरने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप एक शादी के कार्यक्रम में हैं, और शादी में दूल्हा दुल्हन के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही यह सपना आर्थिक लाभ मिलने की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यह सपना दर्शाता है कि आगामी दिनों में आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, और आपके सामने एक व्यक्ति दूल्हे की तरह सज धज कर बैठा हुआ है, और उसके हाथ में बहुत गहरी मेहंदी लगी हुई है, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है, और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको
कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही यह सपना बताता है कि आने वाले समय में आपका परिवार किसी धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने वाला है। इसके साथ ही यह सपना दाम्पत्य जीवन में बढ़ने वाले प्रेम की ओर संकेत करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान श्री राम जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक महिला दुल्हन की तरह सज कर बैठी हुई है, तो उसके हाथों में बहुत गहरी मेहंदी भी है, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपको आर्थिक लाभ होने वाला है। साथ ही यह सपना ये भी संकेत करता है कि अचल संपत्ति में होने वाली बढ़ोतरी और बढ़ जाएगी। यदि आपके ऊपर कोई कर्जा है या आप कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं, तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपका पूरा कर्जा उतरने वाला है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप अपने घर पर बैठे हुए हैं और आपके अलावा आपके घर में और कोई नहीं है और आप खुद ही अपने हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले दिनों में आपको आपका मन चाहा जीवन साथी मिलने वाला है। एंगेजमेंट के साथ आपकी शादी भी जल्द होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को और अधिक बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके हाथों में मेहंदी का एक कोन है जो पूरी तरह से भरा हुआ है, तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। और यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। यदि आप पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे हैं, तो यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि आगामी दिनों में आपकी बीमारी अपने आप ठीक होने वाली है। अगर आपको अभी तक बताए गए सपनों से कुछ अलग सपना आया है, या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है, या आपको कोई विशेष सपना आया है, तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं, जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सके। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया कर ऐसे चैनल्स से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।